हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले आज के हमारे इस ब्लॉग में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। और चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हमारी प्यारी रिद्धि क्या कर रही है। रिद्धि बेटा, अब क्या कर रहे हो? ये देख सकते हैं आप लोग, मेरी प्यारी रिद्धि क्या कर रही है। बेचारी मटर छील रही है। मेरी इतनी प्यारी बिटिया है, बताओ मेरी बिटिया रानी ने कितना मटर छीला है। ये देख सकते हैं आप लोग, देखिए आपके सामने छील के रख रही है। और इतना सारा मटर मेरी प्यारी रिद्धि ने छील कर रखा हुआ है। बेटा हेलो बोलो, बोलो आप लोग कैसे हो। चाचू बुआ लोग, चाचू बुआ आप लोग कैसे हो। देख सकते हैं मेरी प्यारी रिद्धि कितनी प्यारी है, सारा घर का काम करती इतनी छोटी सी उम्र में। तो देखा आप लोगों ने मेरी रिद्धि कितनी प्यारी है। मतलब ये सारा दिन मेरे साथ रहती है। मैं कोई भी काम करती हूँ उसमें कहती है मम्मी चलो मैं आपके हाथ बटा देती हूँ। मैं रोटी बनाती हूँ तो रिद्धि छोटी सी लोई लेकर रोटी बनाती है। वो भी मैं किसी दिन आप लोगों को दिखाऊंगी। बर्तन धोने जाती हूँ तो बर्तन एक एक उठा के घर में रखती है। कपड़े धोती हूँ तो ये अपने पैजामा धोने लगती है। अभी देखो मैंने कहा मैं मटर छील लेती हूँ तो मटर छीलने लगा। ये होती हैं बेटियाँ। मेरी प्यारी रिद्धि कितनी प्यारी है ना बेटा, आप बहुत प्यारे हो। जब बेटी का जन्म होता है, कन्या का जन्म होता है, तो लोगों के चेहरे ऐसे फूल जाते हैं, फूल के पाँव के जैसे हो जाते हैं, है ना। लेकिन देखो हमारे घर में कन्या का जन्म हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मुझे एक प्यारी सी, इतनी प्यारी सी बेटी दिया। यदि ये ना होती तो हम ना होते। ये होती तो कुछ भी अच्छा नहीं, अगर ये नहीं होती तो हमारा जीवन ही व्यर्थ था। इसके आने से सब कुछ अच्छा हो गया है ना प्यारा रिद्धि। रिद्धि बहुत ज़्यादा प्यारी है और समझदार भी है ना रिद्धि। देखो अब इतना सारा मटर है ना, रिद्धि सारे मटर छीलेगी। रिद्धि बहुत ज़्यादा प्यारी है। रिद्धि को मैं जितना प्यार करती हूँ, हमारे परिवार में हर एक मेंबर उसको उतना ही प्यार करते हैं। वह सबसे ज़्यादा करीब तो अपने दादी को है। दादी को बहुत ज़्यादा करीब है, दादी के बहुत ज़्यादा ही करीब है। वो इस समय घर पर नहीं हैं, वह गांव गई हैं किसी काम के वजह से। वह जल्दी आ जाएंगी। फिर रिद्धि मेरे पास नहीं रहेगी ज़्यादा टाइम, उन्हीं के पास रहती है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हूँ जो रिद्धि हमारे पास है। इसके पापा और मैं, हम दोनों इसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और रिद्धि सचमुच बहुत ज़्यादा प्यारी है। मुझे ऐसा लगता है ना, कभी कभी मैंने अगले जन्म में ज़रूर कोई छोटा सा या बहुत ही अच्छा पुण्य किया होगा जो हमारे घर में कन्या का जन्म हुआ। वैसे तो जो मेरे हस्बैंड है उनको कोई सिस्टर नहीं है, यानी वो तीन भाई हैं। तो हमारे घर में कन्या नहीं थी मतलब, तो रिद्धि आ गई। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और मुझे भी एक प्यारी सी नन्ही परी का प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है। घर में सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा दुलार करते हैं। आप देख ही सकते हो रिद्धि कितनी नटखट है, सारा दिन कैसे मस्ती करती रहती है और मम्मी के साथ मिल के काम भी कराती है और वीडियो बनाने में मेरा कितना ज़्यादा हेल्प करती है। आप लोग हर एक वीडियो में उसको देख सकते हो। देख सकते हो अभी भी मेरी प्यारी रिद्धि मटर ही छील रही है। बेटा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही कह दो कि मैं बहुत ज़्यादा मम्मी के साथ मेहनत करती हूँ। मेरे वीडियो को लाइक किया करो चाचू बुआ लोग। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लोग चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो आज के लिए बस इतना ही रिद्धि, अब बाय करो। बाय कह देना, हमारे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, टाटा करो।